नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी को अब अपने बागी प्यारे लगने लगे हैं। दोनों पार्टियों ने अपने बागियों को मनाने की कसरत शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने बागी होकर चुनाव लड़ने वालों से संपर्क साधने के लिए बड़े नेताओं की ड्यूटियां लगाई हैं। इन नेताओं को सीधे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से फोन आ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 3 से 4 बागी नेता अपनी अपनी सीट पर टॉप 2 पोजीशन में माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस अभी से इन्हें अपने पाले में कर लेना चाहती है, मगर अब बागी भी पार्टी में वापसी को लेकर जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, बल्कि 8 दिसंबर की हवा का रुख देख रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस के 7 और बीजेपी के 21 विधानसभा सीटों पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्टेट व सेंटर की लीडरशिप अपने नेताओं की निरंतर संपर्क कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार बनाने या सरकार की मजबूती को निर्दलीय से समर्थन मिल सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 1 महीने पहले ही बागी होकर चुनाव लड़ने वाले आधा दर्शन नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इनमें चौपाल से डॉक्टर सुभाष मंगलेट, सुलह से जगजीवन पाल, पच्छाद से गंगूराम मुसाफिर, ठियोग से विजय पालखाची, आनी से परसराम, जयसिंहपुर से सुशील कौल, अर्की से राजेंद्र ठाकुर शामिल है। कांग्रेस के बागी डॉक्टर सुभाष मंगलेट, परसराम, जगजीवन पाल, राजेंद्र ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा भी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इनके जीतने की संभावना के बीच कांग्रेस नेता इन बागियों से संपर्क साधने लगी है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का खतरा सता रहा है कि प्रदेश में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की सूरत में निर्दलीय MLA को BJP अपने साथ जोड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस अभी से बागियों को मनाने में जुट गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।